गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम साइंस के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। बेसिक, थोड़ा सा बेसिक देखेंगे, जिसमें अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश में पुलिस भर्ती में और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जो वैकेंसी निकाली है उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं साइंस से, तो उन सब चीज़ों का इसमें थोड़ा चर्चा करेंगे। तो आज बेसिक चीज़ें देखेंगे, फिर उसके बाद उसके सब टाइप, उसके ब्रांचेस के बारे में देख लेंगे। जहाँ तक हो सके आज कोशिश करेंगे कि थोड़ा टॉपिक क्लियर हो आपका। जैसे लिखा है साइंस, साइंस तो साइंस में साइंस का मीन क्या है, इसका मतलब क्या होता है, विज्ञान को बढ़ा क्यों जाता है, इससे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। सबसे पहली बात रहेगी आपको कि जो भी चीज़ें मैं पढ़ाऊंगा उसमें क्वेश्चंस कहाँ से बनेंगे, वो सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी इसमें। तो सबसे पहले साइंस जो है, साइंस का मीन ही निकलता है टू नो। क्या निकलता है? टू नो मतलब जानना। आप जितना से जितना जान सकते हैं उस सब के सब आपको पूरा का पूरा मटेरियल आपको यहाँ मिलेगा, जिसे आप प्रूव कर सकते हैं। वैसे साइंस अवधारणाओं पर भी आधारित है, हम ऐसा नहीं बोल सकते कि साइंस अवधारणाओं पर आधारित नहीं है, पूरा प्रूफ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे साइंस में लिखा गया है कि इसका मतलब है जानना, टू नो। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? टू नो। और विज्ञान क्या है, तो आपने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 10th 12th में पढ़ा होगा आपने, सूचीबद्ध क्रमबद्ध ज्ञान ही क्या है, विज्ञान है। सूचीबद्ध क्रमबद्ध ज्ञान ही क्या है, विज्ञान है, जिसमें हम इसे तीन ब्रांच के तहत पढ़ते हैं। कितनी ब्रांच के तहत? तीन ब्रांच के तहत पढ़ते हैं। जो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रांच आती है वो आती है आपकी फिजिक्स। क्या आती है? फिजिक्स। क्लियर है? और जो दूसरी आपकी जो ब्रांच आती है साइंस में वो आती है केमिस्ट्री। क्या आती है? केमिस्ट्री। और जो तीसरी आती है वो आती है बायोलॉजी। क्या आती है? बायोलॉजी। इसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। तो फिजिक्स में आप गणित तो पढ़ते ही होंगे, गणित जो है फिजिक्स के निकल कर बनी हुई है। गणित जो आप आज देख रहे हैं, जो बनी हुई है, वो फिजिक्स से निकली हुई है। जिन्हें थोड़ा बहुत फिजिक्स का अच्छा ज्ञान होता है वो मैथ्स थोड़ी बहुत कर लेता है, और मैथ्स जिसे आती है इसका मतलब फिजिक्स वो कर पाएगा, जिसे मैथ्स नहीं आती वो फिजिक्स भी नहीं कर पाएगा। लेकिन आज हमें बेसिक से देखेंगे, जैसे वो कहते हैं ना, जब जागे तब सवेरा, तो आज शुरुआत वहीं से करते हैं। तो आपने सुना होगा फिजिक्स, फिजिक्स में ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं क्या, न्यूमेरिकल्स होते हैं, और कुछ चीज़ कॉन्सेप्चुअल बेस्ड होती है। क्या होती है? कॉन्सेप्चुअल बेस्ड होती है। तो उन सबको जानना ज़रूरी है। क्या है? उन सबको जानना क्या है, ज़रूरी है। जैसे फिजिक्स जो है दो ब्रांच में पढ़ी जाती है, दो भाग में पढ़ी जाती है। सबसे पहला जो फिजिक्स है उसको बोलते हैं एनिशियंट फिजिक्स। क्या बोलते हैं? एनिशियंट फिजिक्स। इसे बोलते हैं प्राचीन भौतिकी। और दूसरी जो है वो है आपकी मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स इसे बोलते हैं आधुनिक भौतिकी। आधुनिक भौतिकी। इन सब में क्वेश्चंस कॉमन है, जैसे फादर ऑफ साइंस कॉमन है। एक नॉर्मल सा जीएस का क्वेश्चन है, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है कि फादर ऑफ साइंस क्या है, तो फादर ऑफ साइंस जो है अरस्तु है। क्या है? अरस्तु है। फादर ऑफ साइंस जो है अरस्तु है, हर जगह आएगा अरस्तु। अरस्तु इज अ फिलोसोफर। अरस्तु एक दार्शनिक है। क्या है? दार्शनिक है। अरस्तु एक साइंटिस्ट है। आपने सिकंदर का नाम सुना होगा, सिकंदर के गुरु का नाम भी अरस्तु था। क्या था? सिकंदर के गुरु का नाम भी क्या था? अरस्तु ही था। देखिए यहाँ पर फादर ऑफ फिजिक्स में देखेंगे आपको, फादर ऑफ फिजिक्स टू टाइप से देखा जाता है। एक तो मॉडर्न फादर ऑफ फिजिक्स अलग है, और एक इनिशियंट फादर ऑफ फिजिक्स अलग है। और यहीं पर अगर चर्चा की जाए, फादर ऑफ फिजिक्स ही, टोटल फादर ऑफ फिजिक्स तो न्यूटन है। कौन है? न्यूटन है। न्यूटन फादर ऑफ फिजिक्स। क्या है? फादर ऑफ फिजिक्स क्या है? न्यूटन है। क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन मॉडर्न की बात की जाए तो आइंस्टाइन या आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन जो है फादर ऑफ फिजिक्स या मॉडर्न फिजिक्स के नाम से जाने जाते हैं। जैसे आपने आज हमारे धर्मशास्त्र की बात करें तो आपने देखा होगा कि भगवान जो बुद्ध थे उनको ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी, वो प्राप्ति जो हुई थी बोधि वृक्ष के नीचे हुई थी। मतलब पीपल के वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। और अगर और भी धर्म देखें हमारे यहाँ, तो जैनिज्म है। क्या है? जैनिज्म है। तो जैन धर्म में आपने देखा होगा महावीर स्वामी का नाम सुना होगा। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी किस पेड़ के नीचे? साल के वृक्ष के नीचे। साल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ऐसा माना जाता है कि न्यूटन एक मंद बुद्धि थे। कौन थे? मंद बुद्धि। वैसे सुनने में थोड़ा ठीक नहीं लगता है, लेकिन फिर भी ऐसी चर्चाएं की जाती हैं। और न्यूटन को सेब के पेड़ के नीचे,
सेब के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हो गई और उन्होंने इतनी बड़ी फिजिक्स को गढ़ दिया। सोचो, और ये जो फिजिक्स देख रहे हैं ना, पूरी की पूरी इनिशियंट फिजिक्स आज देख रहे हैं आप, पूरी की पूरी इनिशियंट फिजिक्स मैकेनिक्स पर आधारित है, बल, मोशन, फोर्स, इन सब पर आधारित है, उनके लॉज पूरे के पूरे, वो सब आज आपको इसमें देखने को मिलते हैं इनिशियंट फिजिक्स में। लेकिन थोड़ा सा ड्रॉबैक देखने को मिलता है इनिशियंट फिजिक्स में, वो आगे चल के मिलता है जब 1991 या 1991 का या 2 का जो पीरियड आता है, आइंस्टाइन आ जाते हैं और थोड़ी सी और सेलिब्रेट कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बात की जाए इनिशियंट फिजिक्स क्या बोलती है, प्राचीन भौतिकी क्या बोलती है, तो प्राचीन भौतिकी ये बोलती है ई बराबर इज़ एम। ये कहती है जैसे कि ई जो है एनर्जी है और एम है मास, द्रव्यमान और ये ऊर्जा है। तो प्राचीन भौतिकी कहती है, इनिशियंट भौतिकी बोलती है, चिर सम्मत्य भौतिकी बोलती है कि एनर्जी कैन नॉट बी कन्वर्टेड बाय मास और मास कांट बी कन्वर्टेड बाय एनर्जी। मतलब आप द्रव्यमान को ऊर्जा में नहीं बदल सकते और ऊर्जा को द्रव्यमान में नहीं बदल सकते। तो थोड़ा सा क्या है, रुक सा गया था दौर, लेकिन फिर क्या हुआ, आइंस्टाइन आए और आइंस्टाइन जब आए उन्होंने जब एक थ्योरी दी ई बराबरी से एम सी स्क्वायर, तो एक नया युग पैदा हो गया फिजिक्स में। और कहा उन्होंने एनर्जी कन्वर्टेड बाय मास, मतलब एनर्जी को आप द्रव्यमान में कन्वर्ट कर सकते हो, द्रव्यमान को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो। जब उन्होंने कहा एनर्जी कन्वर्टेड बाय मास और मास कन्वर्टेड बाय एनर्जी, तो इसको उन्होंने फैलावर कर दिया। और फैलावर करने के बाद एक नई भौतिकी का जन्म हो गया जिसे आप बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स। और फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स पूछा जाए तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ही फादर ऑफ फिजिक्स रहेंगे। अगर फादर ऑफ फिजिक्स ही पूछा जाता है तो आप बोलेंगे सर न्यूटन है। क्या है, न्यूटन है, क्योंकि हमें बड़े बुजुर्गों की पहले ही भारतीय धर्मों में चर्चा की गई है कि बुजुर्गों की बात माननी ही पड़ती है, और उन्होंने कहा है कि न्यूटन ही है क्या है, फादर ऑफ फिजिक्स है। आज भी किताबों में मिलता है, न्यूटन की प्रिंसिपिया में उनकी एक मैथमेटिक्स प्रिंसिपिया एक बुक्स है, उनमें सारी जानकारी आपको देखने को मिलती है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अगली जो ब्रांच आती है आपकी वो है केमिस्ट्री। क्या है, केमिस्ट्री। थोड़ा थोड़ा और भी हो, ज़्यादा नहीं है आज, थोड़ा थोड़ी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं इनके बारे में, उसके बाद देखेंगे, फिर एक एक टॉपिक ले लेते हैं, एक एक टॉपिक में पूरी चीज़ें देख लेंगे। फिर आता है केमिस्ट्री। क्या आता है, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री देखने से सारी चीज़ें क्लियर होती है। रसायन, जिसे रसायन बोलते हैं आप, रसायन विज्ञान बोलते हैं, रसायन विज्ञान। जैसे इनसे पॉपुलर क्वेश्चन है, फादर ऑफ केमिस्ट्री एंटोनियो लेवाजियर। फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है, एंटोनियो लेवाजियर। मतलब लेवाजियर जो है, लेवाजियर जो है फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। अब इन्होंने भी कुछ ना कुछ खोजे की होगी, कुछ उपलब्धि होगी, इसलिए इन्हें लेवाजियर को फादर ऑफ क्या बोला जाता है, केमिस्ट्री बोला जाता है। जैसा आपने सुना होगा हाइड्रोजन की खोज किसने की, क्वेश्चन आता है बहुत बार, हाइड्रोजन की खोज किसने की, तो हाइड्रोजन की खोज के पीछे हेनरी कैवेंडिश, या नाम आता है एच कैवेंडिश। क्या आता है, एच कैवेंडिश, ठीक है, हेनरी कैवेंडिश वेलेस्ली। और हाइड्रोजन का नामकरण किसने किया, तो हाइड्रोजन का नामकरण किया लेवाजियर ने। किसने किया है, लेवाजियर ने। उन्होंने एक बुक्स भी लिखी है, काफ़ी चर्चित बुक्स हैं उनके। दूसरी चीज, केमिस्ट्री नाम कैसे पढ़ा, केमिस्ट्री नाम पढ़ने का उद्देश्य है, बेसिकली केमिस्ट्री जो है कीमिया से मिलकर बना हुआ, किससे मिलकर बना हुआ है, कीमिया एक शब्द है जिस, एक ग्रीक शब्द है। कैसा शब्द है, ये ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ निकल के आता है ब्लैक सॉइल, काला, काला रंग, ब्लैक सॉइल, काला रंग। इसका शाब्दिक अर्थ निकल के आता है काला रंग, ब्लैक सॉइल। क्लियर है कि नहीं क्लियर। कीमिया जो है, कीमिया शब्द इसकी से उत्पत्ति हुई है, इसका शाब्दिक अर्थ निकल के आता है ब्लैक सॉइल। जब मिस्र के लोगों ने इस पर रिसर्च किया, देखा ब्लैक सॉइल पर रिसर्च किया, तो इसको नाम दे दिया गया केमिस्ट। क्या नाम दिया गया, केमिस्ट नाम दिया गया इसे, केमिस्ट, ओनली फॉर केमिस्ट। जब इस पर रिसर्च हुई, क्या हुई, रिसर्च हुई, तो उसका नामकरण चेंज हो गया, थोड़ा नाम आगे बढ़ा और क्या पड़ गया, केमिस्ट्री। क्या पड़ गया, केमिस्ट्री, मतलब रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान के नाम से जाना जा गया। इसे भी थोड़ा सा गहन अध्ययन करेंगे, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो एक के बाद एक क्लियर करते हैं। उसके बाद उसमें क्वेश्चंस क्या, सबसे पहला मुद्दा ये है कि हमारे यहाँ हम थ्योरी तो पढ़ लेते हैं लेकिन क्वेश्चंस अटैम्प्ट नहीं कर पाते, हमारा ये ड्रॉबैक है। तो क्वेश्चन पर ज़्यादा ध्यान देना कि क्वेश्चन का, जैसे कि फादर ऑफ साइंस कौन है, अरस्तु, एक जीके का क्वेश्चन है, फादर ऑफ साइंस क्या है, अरस्तु। दूसरे का जीके का क्वेश्चन है, फादर ऑफ फिजिक्स कौन है, आप बोलेंगे सर आइजैक न्यूटन। फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स कौन है, सर आइजैक न्यूटन नहीं, सर आइजैक अल्बर्ट आइंस्टाइन, क्या जाएगा, अल्बर्ट आइंस्टाइन। क्वेश्चन बदल गया आपसे, बदला कि नहीं, मतलब। दूसरी चीज, फादर ऑफ केमिस्ट्री एंटोनियो लेवाजियर, कौन है, एंटोनियो लेवाजियर। दूसरा साइंस की, तीसरी साइंस की ब्रांच है
जो बहुत ज़्यादा दिक्कतें पैदा करता है। शब्द ही ऐसे होते हैं जो याद नहीं हो पाते हैं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट मैथ्स वाले होते हैं, बहुत से स्टूडेंट कॉमर्स वाले होते हैं, तो इन्हें जो है मतलब बायोलॉजी की टर्मिनोलॉजी से ही प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि उसमें जो शब्द होते हैं वो जो पहले वर्डिंग होती है उनमें कुछ शब्द लिखा कुछ और जाता है और पढ़ा कुछ और जाता है, तो इसीलिए थोड़ा सा डर सा जाते हैं। लेकिन देखते हैं चीज़ों को आगे पढ़ते हैं, शायद आपकी चीज़ें सॉल्व हो, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो अगली साइंस की जो ब्रांच है वो है बायोलॉजी। क्या है? बायोलॉजी। ओके, अगली साइंस की जो ब्रांच है, पहले हमने फिजिक्स देखी, फिर केमिस्ट्री देखी, अब देखेंगे बायोलॉजी, बायोलॉजी के बारे में देखेंगे। तो देखो दोनों को, अगर दोनों को देखा जाए, फिजिक्स और केमिस्ट्री को देखा जाए, तो भावार्थ सही निकलता है, एकदम देखने से निकल जाता है। लेकिन इसे अगर आप ब्रेक करके देखेंगे, तोड़ेंगे इसे, तोड़ते हैं, चलो ब्रेक करते हैं। बायो प्लस लॉजी, इसे ब्रेक किया आपने, और ब्रेक करने के बाद देखा, देखो ये क्या, बायो, बायो को क्या बोलते हैं, लाइफ बोलते हैं बेसिकली। क्या बोलते हैं? लाइफ। और इसे हिंदी में और ब्रेक करेंगे, और इंग्लिश में, हिंदी में ब्रेक करेंगे, तो इसका मतलब होता है सजीव। क्या होता है? सजीव। सजीव मतलब जिसमें जान है, जिसमें जीवन है, जो ऑर्गेनिज्म मतलब सांस ले रहा है, वो सारी चीज़ें, सारी क्वालिटी है उसमें। और लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी। क्या होता है? टू स्टडी, या इसे ऐसा समझिए अध्ययन करना। क्या होता है? अध्ययन, अध्ययन। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बायोलॉजी, बायोलॉजी में जिसमें सजीवों का अध्ययन, विज्ञान की वह शाखा, साइंस की वह ब्रांच जिसमें सजीवों का अध्ययन किया जाएगा, वही कहलाएगा आपका बायोलॉजी। क्या कहलाएगा? बायोलॉजी। टूट कर निकल के आगे देखो, टूट कर निकल, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, सारी चीज़ें यहीं पर क्लियर होती है। दूसरी चीज, फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? तो फादर ऑफ बायोलॉजी भी अरस्टोटल ही है। कौन है? अरस्टोटल, या अरस्तु जिसे बोलते हैं आप लोग, अरस्तु। फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ साइंस, अरस्तु, सारी चीज़ें आप देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? तो तीनों ब्रांच हैं, तीनों ब्रांच हैं, इन तीनों ब्रांच से ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। साइंस से लगभग लगभग, जैसे कि एसएससी ले लें, एसएससी के बाद अगर सेंट्रल में अगर स्टेट के एग्ज़ाम देख लें, तो यूपीपीसीएस और एमपीपीसीएस, आरपीसीएस, इन सब में क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं उनसे। तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी, मतलब साइंस की एक ब्रांच है जो है बायोलॉजी, उसका आरंभ करेंगे, बायोलॉजी देखते हैं। क्लियर है? जो जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा हर्डल, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, बायोलॉजी का, बायोलॉजी टॉपिक ले लेते हैं, उसमें सारे क्वेश्चन सॉल्व किएंगे। पहले एक एक टॉपिक लेंगे, उसके बाद सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। क्लियर है कि नहीं? थैंक यू स्टूडेंट, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।